नमस्कार, मैं समीर अली, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है, आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। इसी कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में। देख लीजिए, चाय की एक दुकान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक बड़ा इतिहास रहा है कि बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं अक्सर चाय के खोखों से ही लिए जाते हैं। बातचीत करके समझेंगे कि खुर्जा के लोगों ने इस बार क्या मन बनाया है और किन मुद्दों पे इस बार खुर्जा में चुनाव होने वाला है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम महराज गाजी है। महराज गाजी जी, क्या विकास हुआ है यहाँ पर और किस विकास की ज़रूरत है? इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है और रोड यहाँ पे गड्ढे हैं, गली गली में जाके देख लो, आज भी लोगों में एजुकेशन की कमी है, लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लोगों के पास में खाने के लिए कुछ तो नहीं। क्या मन बनाए हैं इस बार? क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुर्जा है वो एक मायने रखता है, यहाँ का जो वोटर है बड़ा मजबूत है। क्या मन बनाए हैं, क्या दिमाग में रख के इस बार वोट डालने जाएंगे? अखिलेश समाजवादी अखिलेश को देंगे। अच्छा, तो अखिलेश ने अच्छे काम करे थे, बहुत अच्छा सोच रखता है वो और उससे बढ़िया नेता नहीं है। ये बीजेपी को भी देख लिया, इसमें कोई वो नहीं है करंट। अच्छा, क्या सोचते हैं चाचा? भाई हमारा भी मन बस अखिलेश के लिए ही है। अखिलेश जी, तो अमूमन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की जो सरकार रही है उसमें विकास हुआ है, अलग अलग सोच है, हर आदमी अपना स्वतंत्र है, तमाम तरह के लोग हैं, कोई बीजेपी को पसंद करता है तो कोई कांग्रेस को पसंद करता है तो कोई सपा को करता है। क्या नाम है? मेरा नाम जीशान अली है। क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में रहने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा होगी तो रोज़गार भी मिलेगा, जब शिक्षा नहीं होगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ हमारे बुलंदशहर के खुर्जे के शिकारपुर के आप कहीं भी निकल जाइए, कोई विकास नहीं है, कोई रोड नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। अगर की सरकार ने बनते ही जब शपथ ली थी तुरंत कहा था कि भाई हम जो है पूरे यूपी के जो रोड हैं वो बनाएंगे, बनाए भी गए, और आप कह रहे हैं कि कोई रोड नहीं बनाए। देखिए, आप रोड पर निकल जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा कि सड़क में गड्ढे बने हुए हैं या गड्ढों में सड़क है। इतनी बुरी हालत है कि बयान नहीं कर सकते। तो अच्छी, क्या मन बनाए हैं? थोड़ी सी बारिश भी बयां कर देती है, एकदम तालाब का रूप ले लेता पूरा शहर। अच्छा जी, तो जो विकास का मुद्दा ही रहने वाला है? बिल्कुल, विकास का यही मुद्दा रहेगा। हमें रोड अच्छे चाहिए, शिक्षा चाहिए और जो रोज़गार है, क्योंकि रोज़गार की बात होती नहीं है, ये लोग भटका देते हैं। जब हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बढ़ जाएंगे तो शिक्षा की बात होगी कहाँ? कहीं नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें बढ़ जाएंगे तो विकास कहाँ होगा? बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है? इलियास जी। इलियास। इलियास जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं खुर्जा के यहाँ चुनाव में? क्या मुद्दे हैं ये हमें पता रहा ही। कोई मुद्दा नहीं? हाँ, वोट डालना चाहते हैं? हाँ डालेंगे। हाँ चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है? मोहम्मद शाबान। शाबान, शाबान भाई, क्या फिजा है खुर्जा की? खुर्जा में समाजवादी पार्टी फिजा है। समाजवादी की फिजा है। हाँ, तो देख सकते हैं अमूमन लोगों का समाजवादी की तरफ जो रुझान है वो दिख रहा है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं खुर्जा के, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि खुर्जा विकास के लिए बहुत ज़्यादा पीछे है। NCR का हिस्सा है बुलंदशहर, और जो ये खुर्जा है पूरे वर्ल्ड फेमस है क्योंकि ये पोल्ट्री हाउस कहा जाता है। यहाँ हर घर में एक पोल्ट्री है जो कि यहाँ से लेकर के विदेश तक बुलंदशहर की पहचान बनाए हुए है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो भी विकास कराएगा वो उसी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुर्जा है वो विकास के लिए तरस रहा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान के साथ आईपा के लिए मैं समीर अली।